नमस्कार, राज्य खबर को स्वागत करछि मु प्रज्ञा। बहु प्रतीक्षित निर्वाचन फल प्रकाश पाइबा परे विजय प्रार्थी को विभिन्न स्थानरु संवर्धना और शुभेच्छार सुअ छुटीथिबा देखिबा को मिलछि। केवल दलय नेता नुहे समर्थक माने मध्ये विजय उत्सव को धूमधाम रे पालन करथिबा देखा जाउछि। कटक और बालिकुदा रे मध्ये एही विजय उत्सव पालित हेबा सह विधायक प्रताप जेना और बालिकुदा विधायक रघुनंदन दास को विपुल परिमाण रे संवर्धना प्रदान करा जाइथिबा देखिबा को मिलछि। जगतसिंहपुर जनता जनदन द्वारा विधायक रघुनंदन दास को विपुल संवर्धना प्रदान कर प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक प्रतिमूर्ति में माल्यावरण करने माँ बरुणई मंदिर में पूजार्चना करते शेष में समर्थक मानू धन्यवाद अर्पण कर से विदाय नहीं। सूचना मुताबक रघुनंदन दास बीजेपी छाड़ बीजेडी जोगदेवास विधायक टिकेट पाई केवल से नुह से बालिकुदारे हेवीवेट नेता दामोदर राउत को पराजय करी चर्चार केन्द्रीभूत साजिबा सह उपहार स्वरूप सूचना और लोकसंपर्क मंत्री पद मध्य पाइछन्ति। सही भली कटक जिला निश्चिंत कोइली ब्लॉक रे निर्वाचित विधायक प्रताप जेना को मध्य विपुल संवर्धना मिलिथिबा देखिबा को मिलिछि। ब्लॉक रा अध्यक्षा श्रीमती सबिता ओझांक तत्वावधान रे एक बैठक आह्वान करा जाइथिला। उक्त बैठक रे ओडिसार पंचायतराज आईन गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री श्रीजुक्त प्रताप जेना को संवर्धना करा जाइथिला। एही बैठक रे समस्त प्रशासनिक अधिकारी माने जोग देइथिले। कटकरु विनोद बिहारी चौधरी को सह जगतसिंहपुर राकेश दास को रिपोर्ट न्यूज फोर ओडिसा। नुआपड़ा जिला खड़ियाड़ स्थित अग्रसर भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी पक्ष बंधु मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिबार देखिबा को मिलछि। उक्त कार्यक्रम में कलाहांडीर सांसद उपस्थित थिबा देखा जाइछि। कलाहांडी सांसद बसंत पंडा को खड़ियाड़ निर्वाचन मंडली विपुल जनादेश देइथिबारु से कर्मकर्ता को कृतज्ञता प्रदान करथिबा देखिबा को मिलछि। गतकाली नुआपड़ार अग्रसेन भवन में भारतीय जनता पार्टी तरफ एक बंधु मिलन कार्यक्रम अनुषित होता। कार्यक्रम में बहु बीजेपी समर्थक कर्मी सांसद बसंत पंडा जोगदे। बैठक में कलाहांडी सांसद रूपे निर्वाचित हो बसंत कुमार पंडा प्रथम कर्मी को संबोधन करते। नुआपड़ा जिला सभापति शिवप्रसाद मुंडा अध्यक्षता करथिबा बेले अन्य मानंक मध्यरे जिला कृषक मोर्चा सभापति संजय तिवारी पूर्वतन विधायक हितेश बगर्ती खड़ियाड़ युवराज तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता देव सिंहदेव और वरिष्ठ बीजेपी नेता निमाई चरण तांडी सुब्रत ठाकुर अतीन्द्र सिंह मल्लिक खड़ियाड़ नगर सभापति विकास सिंगल जेमामणि धारुआ ममतांजलि माझी थबिरमी पांडे दृष्टि माझी नेत्रानंद मनाहिर अशोक बाग हरि प्रधान वरिष्ठ बीजेपी नेता केशव बेहरा वरिष्ठ बीजेपी नेता हरिकृष्ण पंडा जनाक्रम नायक मार्कंड गहिरी समेत शताधिक बीजेपी कर्मी उपस्थित थिले। सांसद बसंत पंडा तांको विजयर श्रेय कर्मी मानंको देइथिले। सांसद बसंत पंडा तांको विजय श्रेय कर्मी मानंको देइथिबा सह सांबादिक मानंको प्रश्नर उत्तर देइ खड़ियाळ अंचल रे होई आसुतबा रेलपथ निर्माण दाबी उपरे से कंटा बाजी थारु खड़ियाळ देइ रेलपथ निर्माण कार्यकु त्वरान्वित करिबा सह आगामी दिन रे एहा सफल करिबाकु चेष्टा करियो बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करिथिले। नुआपड़ारु मुजाफर खानको रिपोर्ट न्यूज फोर ओडिसा। कृषक को देशर आर्थिक मानदंड कहुता बेले आज कृषक आर्थिक अवस्था चिंतार कारण साजिथ देखा मिली। खरा वर्षा शीत काकर चाषी राति परिश्रम कर चाष कर उत्पादन कर फसल द्वारा पूरा देशर चाहिदा मेटी थाए तेबे से ही कृषक आज असहाय साजिश और प्रति मुहूर्त सते जपरी सरकारी बाबू और मिलर्स चक्रव्यूह मध्य हो जाऊी केवल से नुहे सारा विश्व को खाद्य जगह अन्नदाता साजिथिबा एही चासी सते जेपरी दरिद्र सीमा रेखे तले चापी होई तळी तळंत हेउथिबार देखिबा को मिलिछि। नुआपड़ा जिले में एहीपरी एक समस्या देखिबा को मिलिछि। नुआपड़ा जिला सदर ब्लॉक डुमेरपाणी पंचायतर धानमंडी में एबे चासीर भाग्य बंधा पड़िथिबा देखा जाइछि। मंडी खोलिबा परठारु आज पर्यंत 3000 क्विंटल ऊर्ध्वधान पड़ी रहिथिले मध्य सरकारी कर्तृपक्ष एने कौनसी पदक्षेप नहीं नथिबा देखिबा को मिलिछि। राज्य सरकार कालिया ठारु आरंभ करी केन्द्र सरकार किसान योजना आदि फर्द दिनकू दिन बढ़ी चलीछि सत मात्र सुधुरुनी चाषीर आर्थिक परिस्थिति।
ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଧାନମଣ୍ଡି ଯୋଜନା ସତେ ଯେପରି ଗରିବ ଚାଷୀକୁ ଉପହାସ କରୁଛି, ମଣ୍ଡିରେ ଖତ ଖାଉଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ଚାଷୀର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରକାରୀ ଶିଥିଳତା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଜିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଡୁମେରପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ 1400 ବସ୍ତା ଧାନ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପୁଣି ଶୁଖେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଭିଜିବା ପରେ ତ୍ରିପାଲ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖରିଆର ପେକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କାନ୍ତିଲାଲ ସାହୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ହେମାଲି ନଥିବାରୁ ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ଗୁରୁବାର ଧାନ ଉଠେଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସିଏଓ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡୁମେରପାଣି ଗାଁ ଆଖପାଖରେ 7-8 ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡୁମେରପାଣି ଗାଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଣି ଥାଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁନଥିବା ପରି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମୁଜାଫର ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।